Hello, guys, good morning, everybody. Welcome to our academy and welcome to our YouTube channel. I hope I am audible. If I am audible, just give me a clarification whether I am audible or not. Audible, okay. So, let me begin the session for today, right? I hope you had a great weekend and you enjoyed your weekend, and now you are coming up with a proper rest so that you are recharged for this particular week, right? So, let us start this particular analysis for today. Now, one thing you have to understand that there are certain keywords which come in our newspaper as well, right? Somehow it could be a political news as well, but somehow you have to understand that there are certain keywords that we guys have to understand and we have to have a very uh, deep knowledge related to those words because those words are basically repeated in the newspaper as well. They might get repeated in your exam as well. So you need to have a better clarity on these particular words. I hope. Majority of wo you would be knowing these words, but it would be a let's say quick assessment related to certain terminology that is there right in front of us. I think everybody could see the news over here. Fiscally, fiscally imprudent policies, populism affect the poor. Now, this is a particular thing that has been said by our prime minister. Now, the question over here is related to fiscally agar hum baat kare, fiscally imprudent policy. Now let's try to understand what is the meaning of this. फिजिकली इंप्रूडेंट पॉलिसीज और फिजिकल इंप्रूडेंट पॉलिसीज भी बोल सकते हैं राइट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड फिजिकल प्रूडेंट पॉलिसीज देखो जैसे हर घर का एक बजट होता है लेट्स हाउस होल्ड अ गवर्नमेंट बजट एज वेल ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट्स द एक्सपेंडिचर दैट दे हैव टू डू एंड इन कंपेरिजन टू द अर्निंग्स दैट दे आर मेकिंग कुछ भी हम कह सकते हैं उस चीज के ऊपर कि व्हाट द गवर्नमेंट इज अर्निंग इन अ वन पर्टिकुलर ईयर एंड हाउ मच दे आर बेसिकली एक्सपेंडिंग और स्पेंडिंग इन अ वन पर्टिकुलर ईयर नाउ दिस

हमारा एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना है और एक्सपेंडिचर के साथ साथ हमारी अर्निंग्स कितनी है उसके बीच में जो मिसमैच निकलता है हम उसको क्या बोलते हैं वी लेबल इट एज फिजिकल डेफिसिट नाउ मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एज वेल एज द सेंटर ऑब्वियसली दे वॉन्ट डिचर शेल बी लेस अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा अर्निंग से ऑब्वियसलीन फिजिकल डेफिसिट वुड बी मोर सो दिस इज अ थिंग आई थिंक इट इज अंडरस्टूड बाई एवरीबडी राइट जैसे हम घर की भी बात करते हैं कि हमारा जितना अर्निंग्स है उसी के हिसाब से हमारा खर्चा होना चाहिए सिमिलरली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑल्सो थिंक्स लाइक द सेम मैनर दे ऑल्सो वॉन्ट वट एवर दे आर अर्निंग एक्सपेंडिचर इफ इट हैज बी मेड बियॉन्ड द अर्निंग्स इट शेन नॉट एक्सीड बियॉन्ड अटेन लिमिट सी इंडिया के अंदर अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर ज्यादा ही होता है अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू द अर्ग्स बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क हैज भी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट नाउ अगर हम यहां पे बात करें कि अगर किसी को अपने घर का बजट चलाना है या अपने देश का बजट चलाना है तो यू हैव टू बी प्रूडेंट इन नेचर प्रूडेंट मींस यू हैव टू बी वाइज इन नेचर और यू हैव टू बी वाइज वाइल यू आर स्पेंडिंग द मनी सी वन ऑफ द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज वेन एवर देर आर फ्री सब्सिडीज फ्री बी कल्चर और द रेवड़ी कल्चर दैट प्रसिस्ट इन आर इंडियन सोसाइटी और लेट एट द गवर्नमेंट लेवल एज वेल एज देंटर एज वेल एज द स्टेट्स

वट वी आर विटनेसिंग राइट नाउ इवन एट द सेंटर एंड इवन एट द स्टेट लेवल एज वेल दर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर दैट हैज बीन गोइंग ऑन वट वी कॉल एट एज रेवड़ी कल्चर फ्री वी कल्चर फ्री वी कल्चर और सब्सिडीज कल्चर यह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर गवर्नमेंट अपने शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं फ्रीबीज प्रोवाइड करते हैं बट उसका ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेंडिचर इज द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग इन द टर्म्स ऑफ दिस फिजिकली इंप्रूवेंट पॉलिसीज एंड द पॉपुलिज्म पॉलिसीज दैट आर बेसिकली एमिंग फॉर टारगेटिंग अ मेजर ऑडियंस बेसिकली आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिलेटेड टू द लेट से कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री ये जितना भी स्पेंडिंग हो रही है इट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरह का एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यहां से हमारा कोई कैपिटल एसेट तो नहीं बन रहा यहाँ से हमारी रोड्स तो नहीं बन रही रेलवे तो नहीं बन रही इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा सो ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच द गवर्नमेंट्स ट्राई टू मेक श्योर दैट दे इंट्रोड्यूस लाइक दिस सब्सिडी कल्चर इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म मोटिव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस बेसिकली डो फॉर द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट यह किसी स्टेट की लॉन्ग टर्म विजन नहीं हो सकती है हाँ यह एक शॉर्ट टर्म विजन हो सकती है जहां पर आप किसी को एक पर्टिकुलर ग्रीड दे रहे हो या लालच दे रहे हो और उससे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की कोशिश कर रहे हो So, these are the things that one has to understand when I talk about this particular fiscally imprudent policies and the populism policies. I hope now you guys have an idea related to what are fiscally imprudent policies like these subsidies that are just given for an Election results may be favorable, election result, maybe for a short term motive that a particular party is trying to achieve. So, these all are short term policies. This doesn't augur well for the economic development of a nation, for the capital assets of the country, because all this expenditure that is being gone, or let's say it is being uh, directed, it is all the revenue expenditure.

You have 100 rupees and you are spending 140. From where you have got this 40 rupees, obviously, you would be borrowing from somewhere, so that would increase the debt on the government as well. Debt money karza bhajada barja government ke. ओपर सो दीज आर ऑल द थिंग्स दट वी गाइज हैव टू अंडरस्टैंड गैट दे हैव टू लुक फॉर द ग्रेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया विच इज नॉट अंडर अ डेट सिचुएशन आई होप दिस पॉइंट आर क्लियर टू एवरीबडी एंड दिस वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स जर्नली लीव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज बट दीज आर द टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज दट यू कैन डायरेक्टली यूज इन योर मेन्स आंसर आप डायरेक्ट ना इसको मेन्स आंसर के अंदर यूज कर सकते हो इट वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू राइट गाइज चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सीधा हम एडिटोरियल पेज पे जाएंगे एंड लेट्स ट्राई टू सी ठीक है अगर हम यहाँ पे बात करें ये मॉस्क का जो अभी चल रहा है ज्ञानवपी वपी का ठीक है उसके रिलेटेड है तो हम यहां पे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ये बीजेपी और ऑपोजिशन अलायंस की बातें चल रही हैं राइट तो यहां पे भी नहीं हम जाएंगे रशियन वॉर लॉर्ड की बात हो रही है तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है राइट आदित्य एलवन मिशन आई थिंक एवरीबडी नो दैट वी हैव लेट से Uh, successfully done or tested our Istro mission. So, that is a big, big congratulations to everybody. It will almost take 110 days for this mission to reach the required orbit and the required point that is the language Point 1. So, we hope the best of luck for this particular Aditya Alvan mission so that it reaches the target where it is designed and where it is intended to reach and it is giving us all the necessary information that this mission is actually made for. Like Chandrayaan 3, that the Vikram Lander and the Pragyan Rover has done for India, and they have done wonders for India. Right now, let's try to look at the this particular article. We will not be going into the details, but one thing I want to make sure I give you a highlight related to it. What is this article about? It is about measuring hunger across states. Now, one of the things that we guys need to understand is that they are saying in the article as well. If we talk about global hunger index. अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो 121 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक है वन हंड्रेड सेवन ना दिस इज शॉकिंग न्यूज आई विल टेल यू हाउ बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल लेट्स ट्राई टू सी द दैट वी हैव फर्स्ट ऑफ इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स आर रैंक इज वन आउट ऑफ वन कंट्रीज विच इज बिहाइंड नाइजीरिया एंड पाकिस्तान नाइजीरिया का कितना है 103 और पाकिस्तान का कितना है 99 नाइन so the question that is being let us say that comes to our mind is one of the very important question that in global hunger index our rank is 107 that means we are performing the worst let us say if india is one of the develop, uh, developing path

जहां पे हम 80 करोड़ ज्यादा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सब्सिडाइज रेट पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं सो वी हैव दिस पर्टिकुलर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज फूड ग्रेन एट वेरी वेरी चीप प्राइसिस टू द लॉट ऑफ द पुअर सो हाउ डज वी आर लेट से देन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पैरामीटर दैट इज एट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स वे आर रैंक इज 107 हंड्रेड सेवन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड that when we talk about global hunger index what could be the parameters that are being let's say undertaken or that is being calculated when they are reaching this global hunger index first of all they are talking about child undernourishment then they are talking about child malnutrition and then they are talking about under five mortality so, these are the three parameters on which this particular global hunger index is being calculated child undernourishment, child malnutrition, and under 5 mortality. Now, one of the things that we have to understand is in this particular undernourishment, we can see the words like child wasting and child stunting, right? Ab India andar because there is a lot of diversity, there is a lot of diversity across the states. So there is a quite a lot of variation that is there at the state level when we try to calculate the hunger index. So when I talk about state hunger index, then it varies across different states. And majority of the states, their results are not very promising. They show that we have still a lot of hunger that is there.

We are not able to provide them the required nutrition. That is a major problem. Yes, we have the largest food security program, but the problem is we are not able to give them what? We are not able to give them the right nutrition. That is why there is this problem or the prevalence of hunger that is still there in the हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बट ऐसा नहीं होता है हंगर की प्रॉब्लम इज बियॉन्ड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज प्रोवाइड प्रोविजन ऑफ एडिकेट न्यूट्रिय एज वेल सो दिस इज आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एज वेल दैट इज जीरो हंगर विच इज आर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट गोल सेकंड so we have to understand that when we talk about overall health and overall nutrition we need to make sure that we are providing the adequate nutrients there are adequate nutrients in the diet so those are the things that basically tries to make sure that we are not at such a lower levels in the global hunger index plus we are able to stop this under five mortality as well I hope you are able to understand this. So these are the things that we guys need to understand related to global hunger index. Paper में इतना detail में नहीं आएगा. बस आपको ये figures पता होनी चाहिए. Global hunger index में हमारा rank क्या है? Despite being हमारा National Food Security Act का इतना बड़ा program चल रहा है. और इनको किन parameters के against measure किया जाता है? ये तीन parameter हैं जिनके against इनको measure किया जा रहा है. So these are the facts that could be asked in the exam. So I have given you a lot of extra information. Okay. Moving to the next part, Now this is a very very basic thing that has been given over here. I don't think we need to just go into the nitty gritties of this. One of the things you have to understand is, right to act is a very very important act because it tries to maintain the transparency in the government and accountability of the government. Now, when the right to uh, privacy became the fundamental right, and in response to that, there was this particular digital data protection act that has been now made an act, a bill that has now been made an act. दे से कि अगर हम पब्लिक या अपने प्राइवेट डेट पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं उसके ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं लग सकता वो डिस्लोज नहीं हो सकती है इंफॉर्मेशन सो सम हाउ वी कैन सी देर आर सर्टन चेंजेस दैट हैव मेड इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दैट इज बेसिकली हिंडरिंग द स्कोप ऑफ आर टी आई सो वन ऑफ द थिंग दैट दैट दे हैव ओवर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आर प्रीवियस सेशन कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि अगर डेटा की इतनी ज्यादा प्राइवेसी होगी तो हो सकता है कि उसके ऊपर आरटीआई के फीचर्स बहुत ज्यादा कम होंगे एंड द सेकंड थिंग दैट दे आर सैंग ओवर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव ट्राई टू डिस्कस इज

already removes large of or let's say a lot of the barriers instead of obtaining uncommon financial instrument instruments citizens can simply file a request online and pay with the UPI however many states do not have an online RTI portal देखो क्योंकि ये सारा प्रोसेस अब डिजिटल हो चुका है तो RTI पैन लीजिए पहले अगर कोई RTI फाइल करना चाहता था किसी सरकारी दफ्तर के अंदर तो कोई बोल सकता था डीडी बना के ले आओ post office and the deposit card though so there were lot of different options that were there but now because we have seen the most of the rti thing has gone online so one of the things that could be understood is that you can directly pay your uh, online fees with the help of the upi but still there are lot of states that do not have this rti portal that is the online rti portal while activists have long warned of the weakening many of the damage they have seen is not merely from the changes in the text of law from, from the way that various institution across different government operators discharge their duties. So this basic article was all about ke how RTI has been amended. So let us say you need to understand two things. One of the thing is the recent data protection bill that has now limited the scope of what RTI act, second thing you have to understand is that there are different ways with which the payment method is accepted in RTI but one of the thing you have to understand is कि एक जो बड़ा बैरियर होता है दैट इज ऑनलाइन मैथ पेमेंट उसको खत्म कर देता है बट ऑनलाइन पेमेंट भी कुछ ही स्टेट्स के अंदर हो सकती है बिकॉज सभी के पास ये ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है तो so, अगर ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल नहीं है तो आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जाना पड़ेगा वो उसमें टाइम लग जाता है जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है और इसके ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बेटर क्या होता है कि ऑनलाइन फीस पे करो और वट एवर द इफॉर्मेशन दैट यू आर सीकिंग इज इज बेसिकली प्रोवाइडेड टू यू गाइज बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव दिस ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल इट इज वी Weakening this particular provision of RTI that is the right to information. Right, guys? Okay. Moving to the next part. Now, this is the thing that we have already discussed. I think that day we discussed in a huge detail that what is the debate around one nation and one election. Now, let us try to revise it so that we have a uh, basically a holistic view and it would be a quite of revision for you guys as well. see, when we talk about one nation, one election, so they are basically uh, government has formed a uh, uh, panel under Ramnath kovind, our former president, to study into the feasibility of conducting elections simultaneously to the states as well as the center. but there are a lot of problems when we talk about one nation, one election. why? because there is a problem of synchronization that is a big worry that whether we will be able to achieve the synchronization that is required second thing that we are worried about is if there has to be a simultaneous election that there would be lot of constitutional amendments third whether it will go well with the particular people of the state because let's say if you have to conduct one nation one election then there might be certain changes that have been or that will be made to the tenure of the respective state legislative assemblies so whether it is acceptable to the people because they are the ones that have chosen the government for 5 years and if one say that your government that you have chosen will be trimmed for the period of 2 or 3 years so it is going to create certain mistrust and lot of distrust among the people but what are the advantages अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो कॉस्ट का खर्चा बचेगा लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा गवर्नमेंट मशीनरी का जो इतने पैसे लग रहे हैं वो खत्म होंगे डेवलपमेंटल वर्क किए जा सकते हैं गवर्नेंस बेटर हो सकती है और हर साल जो हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल माहौल बना रहता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनी रहती है उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा राइट मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एक ही बार लगेगा बेटर वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा मॉरल बूस्ट मिलेगा लोगों को दैट दे आर नाउ बेसिकली चूजिंग अ वन गवर्नमेंट एट वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड नॉट एवरी ईयर दट दे हैव टू लुक फॉरवर्ड टू बेसिकली कैन लुक फॉरवर्ड टू द डेवलपमेंटल वर्क बिकॉज देन द गर्मेंट्स एंड द पोलटिकल पार्टीजो बी वर्किंग टूवर्ड्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट रादर देन गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म मोटिजरीयर एवरी मंथ देर इज अ सर्टन इलेक्शन इन हेर और देर राइट गाइज सो दीज वर दिंग्स वी ट्राई टू डिस्कस दैट डे एज वेल दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है पॉइंट्स आपके पास बने होने चाहिए तभी इसका फायदा है ओके नाउ दिस इज ऑर वी हैव द पॉलिटिकल न्यूज यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है दैट इज जीडीपी सेंट्रिक व्यू चेंजिंग टू ह्यूमन सेंट्रिक वन सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन डायरेक्टली कम इन द एग्जाम एज वेल जीडीपी सेंट्रिक व्यू चेंजिंग टू ह्यूमन सेंट्रिक वन नाउ वन ऑफ द थिंग दैट वी ऑल नो दैट और एवरी कंट्रीज परफॉर्मेंस इज बीइंग मेजर्ड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ जीडीपी दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ जीडीपी व्हाट आर द फिगर्स ऑफ जीडीपी हाउ मच कंट्री हैज ग्रोन दैट इज हाउ मच परसेंटेज चेंज हैज टेकन प्लेस ओवर द लास्ट ईयर व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी सो ऑल ऑफ द व्यूज आर रिलेटेड टू जीडीपी सो वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम जीडीपी सेंट्रिक व्यू टू ह्यूमन सेंट्रिक व्यू दैट इज सबका साथ सबका विकास सो बेसिकली यहां पे जो बात की जा रही है दैट इज फोकस फ्रॉम ग्रोथ टू डेवलपमेंट बस इतना ही फर्क है इस चीज में जो बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्रोथ पार्ट वी हैव टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट एज वेल बिकॉज ग्रोथ अगर की हम बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं सो लेट्स से इफ कंट्रीज जीडीपी इज पीज फाइव ट्रिलियन डॉलर थ्री ट्रिलियन डॉलर इट विल नॉट एक्यूरेटली से दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ इक्वल मैनर वेन इट टॉक्स अबाउट द टर्म्स ऑफ जी बिकॉज मोस्ट ऑफ द नंबर इन द जी वुड बी ऑफ द हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिलीज सो

एजुकेशन इंक्रीज हुई है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है सो बेटर पिक्चर एंड इनडायरेक्टली इट विल फर्दर लीड टू दीडीपी ग्रोथ सो द डिबेट इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट दिस वॉज अ इजी पार्ट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस राइट ओके Aditya L1 healthy in new orbit, right? That we already discussed. अच्छा अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है एक ना हमारे पास एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर नॉलेज शेयरिंग राइट ये अगर हम बात करें हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री का मॉडल है अगर हम बात करें दिस पर्टिकुलर दीक्षा प्लेटफॉर्म नाउ वन ऑफ द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हेन आई टॉक अबाउट दिस दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑल दीस थिंग्स हैव और आर द फीचर्स दैट वी हैव इन दिस दीक्षा प्लेटफॉर्म द फीचर्स दैट वी हैव इन दीक्षा इज द दर हैज बिन द कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक अकेडमिशियंस बाय द वे ऑफ टीचिंग विडियोज एक्सप्लेनर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सो एक पोर्टल बना लो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर टीचिंग वीडियो भी हैं अकेडमिशियंस ने अपने एक्सप्लेनर डाल रखें और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा अगर सॉल्व कर भी रहा है मान लीजिए क्वेश्चन सोल्व किया उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है क्या उसने सही किया क्या गलत किया है उस चीज को बैटर करने के लिए एक नया सिस्टम इंटीग्रेट करने की कोशिश करी जा रही है इन दिस दीक्षा प्लेटफॉर्म दैट इज द पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग सो फॉर एग्जाम्पल दैट देर ट्राइंग टू सीवर हेयर इज Let's say a student of class 9 is la learning the Pythagoras theorem and makes a calculation mistake. Then, this AI learning system flags it and loops the student back to a basic video of how to make the calculation. Let's say अगर कोई बच्चा पाइथागोरस थ्योरम कर रहा है और उससे कोई गलती होगी तो ये जो पर्सनलाइज्टिव लर्निंग है मैकेनिज्म जो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसके अंदर हम दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो यहां से वो क्या करेगा गलती बताएगा और बच्चे को बोलेगा भाई यहां पे तेरी प्रॉब्लम थी ये चीज के ऊपर करेक्शन करो और इससे तुम अपने बेटर रिजल्ट कर सकते हो सो इट इज क्वाइट रेवोल्यूशनरी दैट इट इज बेसिकली मेकिंग अ वेरी मच पर्सनलाइज एक्सपीरियंस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट सो दैट दे आर एबल टू लर्न ऑन द स्पॉट दे आर एबल टू फाइंड द मिस्टेक्स ऑन द स्पॉट एंड दे आर एबल टू Improve on their mistakes on the spot. So, these are the basic things that are being said over here. You can use this in your answers as well when you are talking about education reforms. Then you can mention that the Central uh, Ministry of Electronics is set to integrate this personalized adaptive learning into this Diksha platform, that is the e education platform. Right, guys? Okay. So, यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहां पे जो मैंने डिस्कस करना चाहता था जी ट्वेंटी मीटिंग इंडिया में होने वाली है एंड देखते हैं क्या होता है उसके बाद एंड वी आर डन विदुडेज एनालिसिस सो टूडेज न्यूज पेपर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन अलॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स दट वर कमिंग फ्रॉम द टूज न्यूज पेपर दैट वी ट्राई टू डिस्कस आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस राइट वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स फॉर गेट देखो अगर हम वन नेशन वन टैक्स की बात करें तो जीएसटी तो हमने काफी इसी तरीके से लगाया था कि अगर हम बात करते हैं कि हम सारे जितने भी काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबसेम करके हमने एक टैक्स बना दिया दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सो दैट देर इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब भी हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो टैक्स सिस्टम के बारे में ऐसी बात करी जाती है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिमाग में समझ में आ जाए दैट शैल बी ईजिली लेट्स से इंडस्टूड बाय द पीपल एंड द इन्वेस्टर्स दैट इज वाई इंडिया वेंट फॉर दिस जीएसटी थिंग राइट right? अगर तुम बोलो कि पूरे देश में ही एक टैक्स हो बड़ा मुश्किल हो जाएगा राइट ओके एनी अदर डाउट एनी वन हैज हां जी सो शेल वी एंड द सेशन देन राइट थैंक यू सो मच गाइज वी विल सी सीच अदर टुमारो सेम टाइम नाइन ए एम टिल देन टेक केयर